नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड, उसके बारे में डिस्कशन रहेगी, जिसको चैंसेट कार्ड कहते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर। तो उसको मैं वन बाई वन बताऊंगा आपको कि अगर आपने इस कार्ड को लेना है तो किस वे से ले सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, सारी की सारी कंप्रहेंसिव ये डिस्कशन रहेगी। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा जो ओल्ड व्हाट्सअप था 9785 63753, वो बैंड हो चुका है और बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे हैं लेकिन वो मैसेज हम पर डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारा न्यू व्हाट्सअप नंबर है जो स्क्रीन के ऊपर मैंशनड है, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी भेजें तो आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिलेगी। इसके अलावा हमारे 3 जगह पर सेमिनार्स हैं, चंडीगढ़ में, करनाल में और दिल्ली में। तो अगर आप उन सेमिनारों को अटेंड करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है उनको भी अटेंड करें। 18 तारीख को चंडीगढ़ में है, 25 को करनाल में है और 3 मार्च को दिल्ली के अंदर है। इन सेमिनार की इंफॉर्मेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी ले सकते हैं। तो अभी आते हैं, जो जर्मनी गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी कार्ड इंप्लीमेंट कर दिया है तो आप 1 जून 2024 से इसमें अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो पहले क्या था, जर्मनी में अगर किसी ने जाना होता था तो उसके लिए उन्होंने एक जॉब सीकर वीज़ा रखा था। तो ये जॉब सीकर वीज़ा से बहुत ही डिफरेंट कार्ड है। तो इसको उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है वो पॉइंट वाइज सिस्टम है। आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट से 6 पॉइंट लेने हैं। अगर आप 6 पॉइंट ले लेते हैं तो आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कितने कितने मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, आप कैसे कैसे ले सकते हैं, सारे का सारा डिस्कशन करूँगा। इसके बेनिफिट बता दूँ, इस कार्ड को कोई भी नॉन यूरोपियन है, किसी भी कंट्री में है तो इस कार्ड को अप्लाई कर सकता है। इसका जो ड्यूरेशन है 1 ईयर का मिलेगा, जो फर्दर एक्सटेंडेबल है 1 साल के बाद उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। इस कार्ड की और अपर बेनिफिट क्या है कि विदाउट एम्प्लॉयर आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 6 पॉइंट ले लेते हैं। इस कार्ड में और क्या अपॉर्चुनिटी है कि ड्यूरिंग दिस कार्ड आप पार्ट टाइम वर्किंग अलो है, तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और इवन आप अपनी स्पाउस को भी अकंपनी कर सकते हैं अगर इस कार्ड के थ्रू जर्मनी में जाना है, क्योंकि जर्मनी गवर्नमेंट को नंबर ऑफ स्किल्ड हाईली स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें स्किल्ड भी और हाईली स्किल्ड लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें इतने बेनिफिट है इस कार्ड के। और इसकी अपॉर्चुनिटी जरूर अवेल करें अगर आपने जर्मनी में सेटलमेंट के लिए जाना है जहाँ वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं आपकी एजुकेशन्स का, एजुकेशन के जो मैक्सिमम पॉइंट है 6, तो आपके कितने आते हैं डिपेंड उसके ऊपर है। उसके बाद एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के मैक्सिमम पॉइंट 3 है, तो आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपको कितने पॉइंट एलोकेट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जर्मन लैंग्वेज आती है या आपके पास V2 इंग्लिश का है जिसको हम IELTS कहते हैं, तो आपको जो मैक्सिमम पॉइंट है 3 एलोकेट होंगे। उसी तरीके से एज के पॉइंट है, आपकी एज का क्राइटेरिया मेंशन किया है उसमें आपको मैक्सिमम 2 पॉइंट्स मिलेंगे। आपकी प्रीवियस स्टे कहाँ पर जर्मनी में रही है, नॉट ए टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, आप वर्क परमिट पर रहे हैं, फैमिली रीयूनियन वीज़ा पर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर रहे हैं, तो 1 पॉइंट उसका भी एलोकेट होगा अगर आपने इसके पॉइंट लेने हैं। इवन अगर आप अपनी स्पाउस के साथ अकंपनी कर रहे हैं, इस कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको आपके स्पाउस का भी 1 पॉइंट मिलेगा अगर उसकी भी एलिजिबिलिटी जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड की बनती है। तो दीज आर द एलिजिबिलिटी। अभी क्वालिफिकेशंस के ऊपर आते हैं, जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, जिनके पास बैचलर की डिग्री है, या जिनके पास वोकेशनल, जिसको हम वोकेशनल क्या कह सकते हैं, पॉलिटेक्निक ITR मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का वोकेशनल सर्टिफिकेशंस हैं या डिप्लोमा है, तो वो भी इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी बता दिया, डिग्री वाले भी और डिप्लोमे वाले भी और सर्टिफिकेट वाले भी जिनके पास 2 साल का वोकेशनल है। तो जिसके पास 3 साल या 3 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है तो उनको जो इसके मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे जो 3 पॉइंट हैं। डिग्री के तो मैंने 6 बता दिए, लेने आपने 6 ही हैं जितने भी एट्रीब्यूट से हैं। तो उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, A1 है तो आपको डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे। अगर A1 नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, अगर A1 आपने जर्मन लैंग्वेज किया हुआ है तो उसके डिफरेंट पॉइंट है। अगर आपके पास B2 लेवल है तो उसके डिफरेंट पॉइंट है, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी। बट आपके पास आइदर जर्मन लैंग्वेज और
और वर्ड यूज कर रहा हूं, आपके पास B2 लेवल इंग्लिश होनी चाहिए दोनों में से एक। अगर आपके पास दोनों है, उनके हाई लेवल है, तो आपको लैंग्वेज के मैक्सिमम पॉइंट मिल सकते हैं। अगेन डिपेंड, इसी तरीके से एज, अगर आप 35 अंडर हैं, आपकी एज 35 अंडर है, तो आपको 2 पॉइंट मैक्सिमम मिलेंगे। अगर आपकी एज 36 से लेकर 40 के बीच की है, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। 40 से प्लस है तो उसका कोई भी पॉइंट नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप जर्मनी में प्रीवियसली स्टे किया हुआ है, प्रीवियसली मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा, कौन से टूरिस्ट को नहीं है इसमें, टूरिस्ट इंक्लूडेड नहीं है, आप वहाँ पर फैमिली रियूनियन वीज़ा पर थे, आप स्टूडेंट वीज़ा पर थे, आप वर्क परमिट पर थे, आप ब्लू कार्ड के ऊपर थे, तो 1 पॉइंट है। स्पाउस को साथ अकॉम्पनी कर रहे हैं तो उसका भी 1 पॉइंट है, अगर उसकी एलिजिबिलिटी इस जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड की बनती है। अभी इसके बाद, अभी जब आपने इसको अप्लाई करना है, तो ब्लॉग्ड अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट है, वो भी 11,000 यूरो तक के, वो भी आपको दिखाने पड़ेंगे। आपको ब्लॉग्ड अकाउंट दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको वहाँ से कोई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट भेज देता है कि आपने जॉब आकर मेरे पास पार्ट टाइम करनी है, तो आपको फिर वो ब्लॉग्ड अकाउंट भी वेबल हो सकता है। अपने स्पाउस को साथ अकंपनी करें तो उसका भी ब्लॉग्ड अकाउंट आपको चाहिए, जब आपने इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को अप्लाई करना है। तो मैं हर एक स्टूडेंट को, हर एक कैंडिडेट को ये कहना चाहूँगा कि इसको ज़रूर अवेल करें एज अर्ली एज पॉसिबल, 1 जून से इसकी अपॉर्चुनिटी को अवेल ज़रूर करें। इसमें काफ़ी रश पड़ेगा, अपॉइंटमेंटों में भी दिक्कत आएगी। आप आज से ही लैंग्वेज सीखना भी स्टार्ट कर दें अगर आपने जर्मन लैंग्वेज के भी और इंग्लिश के भी पॉइंट लेने हैं। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद, आपके कितने मैक्सिमम पॉइंट बन सकते हैं, आपको इसको अवेल करना चाहिए या नहीं, हमें भी संपर्क करें ताकि आपको बेटर से बेटर गाइड करें। तो इवन क्राउन इमिग्रेशन जर्मनी में, जैसे मैंने अपॉर्चुनिटी कार्ड बताया है, जो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड है, इसी तरीके से हम वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर आपने उससे रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उसकी हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर आप हमारी नॉलेज चेक कर सकते हैं कि हमें जर्मनी से रिलेटेड कितनी नॉलेज है। तो अगर जिन बच्चों ने अक्टूबर इनटेक, मैं फिर बता दूँ, अक्टूबर इनटेक में जर्मनी में जाना है, तो वो भी हमें संपर्क करें। अगर APS करवाया है या नहीं करवाया है, टेस्ट किन के लिए मैंडेटरी है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ऑलरेडी जर्मनी में पहुंच चुके हैं, वहां से अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करवाना चाहते हैं, तो उनका भी हम मोस्ट वेलकम हैं। जो स्टूडेंट जर्मनी में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपनी स्पाउस का स्टूडेंट डिपेंडेंट लगाना है, स्टूडेंट डिपेंडेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट है जर्मनी का, फिर भी उनको हम गाइड कर सकते हैं कि आप वहाँ पर कैसे अपने स्टूडेंट डिपेंडेंट को ले जा सकते हैं। इस टाइप की हमें बहुत सारी नॉलेज है, अगर आपने इनको इनकैश करना है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी फ्रेंड जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करवाना चाहता है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इवन अगर आप जर्मन लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं, तो उसकी एक कोचिंग भी हमारे सेंटर में प्रोवाइड की जाती है, वो भी कोचिंग आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप थ्रू क्राउन इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं। इवन जर्मनी में नहीं, जैसे मैंने जर्मनी का, ऐसे ही हमें 100 कंट्रीज़ के बारे में मालूम है, हर एक कंट्री के बारे में हमारी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, वहाँ जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। लास्ट रिक्वेस्ट यही है, अगर आपका कोई फ्रेंड को जर्मनी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी, उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।